आज सुबह से ये कश्मीरी पंडित समुदाय के जितने भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पिछले लगभग 200 दिन से ज्यादा का वक्त इन्हें यहाँ पर धरना देते हुए हो गया, प्रदर्शन करते हुए हो गया। सुबह से यहाँ पर आज मीडिया का जमावड़ा था, मेला लगा हुआ था, सारे का सारा मीडिया आज आया हुआ था, सारा नेशनल मीडिया आया हुआ था। कल भी मैं तलाश कर रहा था कि शायद नेशनल मीडिया के ऊपर कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर एक डिबेट जरूर होगी, एक डिस्कशन जरूर होगा, पूछा जाएगा सरकार से कि आपने तो कहा था कि कश्मीरी पंडित समुदाय को वापस घाटी भेजा जाएगा और ये संभव इसी कार्यकाल में होगा, न इससे पहले हुआ न इसके बाद होगा। लेकिन कल भी कोई बड़ी डिबेट कश्मीरी पंडितों को लेकर किसी नेशनल चैनल के ऊपर हुई हो ऐसा नजर नहीं आया। आज भी मीडिया सारा यहां आया हुआ था और सभी कश्मीरी पंडित समुदाय के इन सरकारी कर्मचारियों से बातचीत भी हुई, इनके दुख दर्द को दोबारा से सुना गया, दोबारा से आज वो खबर बना। लेकिन मामला वही कि सरकार कहां है, सरकार आखिरकार इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रही। ये रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं लेकिन रिलीफ कमिश्नर दफ्तर से बाहर आकर इनसे बातचीत करने के लिए करके राजी नहीं। ये डिविजनल कमिश्नर और ड्यूकॉम के दफ्तरों से केवल एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर या दो या तीन किलोमीटर की दूरी पर होंगे, इससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो भी यहां नहीं आते। सिविल सचिवालय यहां से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर है और सिविल सचिवालय से कोई भी बड़ा अफसर, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो रिलीफ रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का, वो आकर इनकी इनसे बातचीत कर सकता है, इनका इनसे सुन सकता है और इनके मसले का हल करने की बात कर सकता है, लेकिन वो भी यहां नहीं आते। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, पुलिस, जिसे अक्सर सरकार ने अलग अलग समयों पर जब बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए तो पुलिस का इस्तेमाल किया गया बातचीत करने के लिए, तो पुलिस कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग भी यहां नहीं आते। तो कुल मिलाकर मामला ये कि इनका धरना, इनका प्रदर्शन जारी है और इनकी मांग ही डोंट रिहैबिलिटेट अस ऑन कॉस्ट ऑफ आवर ब्लड, ऑर्फनिंग आवर चिल्ड्रन, विडोविंग आवर वाइव्स, वी आर नॉट स्केप गोट्स, रिहैबिलिटेशन अ बिग फेलियर, ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। और ये सभी कर्मचारी 200 दिन से ज्यादा इनको हो गए हैं, तनख्वाहें बंद है इनकी, तनख्वाहें इनको नहीं मिल रही है। लेकिन कल टीआरएफ की एक चिट्ठी आई है और उसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन, जो लश्कर और जैश ने मिलकर जिस आतंकी संगठन को बनाया है, उस आतंकी संगठन ने एक चिट्ठी निकाली और सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था उस ऑर्डर को एनेक्सर के तौर पर उस चिट्ठी के साथ जोड़ दिया और कह दिया कि भाई हम इन्हें निशाना बनाएंगे, हम इन्हें टारगेट करेंगे, और खबर बन गई टीआरएफ की। टीआरएफ अपनी खबर बना रहा है, सरकार को अपनी छवि की परेशानी है, दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बीच में जो पिस रहे हैं वो ये कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी हैं। आइए बैठते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आज 200 दिन आपको हो गए, डिबकॉम का दफ्तर भी ज्यादा दूर नहीं है, डीसी का दफ्तर भी ज्यादा दूर नहीं है, सेक्रेटरिएट बिल्कुल बगल में है, राजभवन से अगर किसी को आना हो तो वीआईपी रूट लग जाएगा तो मुझे लगता है 3 मिनट के अंदर अंदर वो आपके पास पहुंच सकते हैं। कोई आपके पास आ नहीं रहा, क्या चुनाव नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही, तो ये तो बड़े दुख की बात है कि हम पिछले 208 दिन से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिफाइड डिमांड को लेके, ऐसा नहीं कि हम कोई गलत चीज मांग रहे हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कोई मांग रहे हैं, लेकिन सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया, जबकि पास में ही है, सिविल सेक्रेटरी पास में है, लेकिन नहीं आए। तो हमने कोशिश की थी खुद अपने एंड से, हमने गवर्नर साहब के ऑफिस के बाहर हमने हाथ जोड़े थे उनसे कि हमें मिलने का मौका दिया जाए, कम से कम हमारी बात सुनिए आप। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये कि एक ऐसा समुदाय, कश्मीरी पंडित समुदाय, जो नेशनलिस्ट फोर्स है और जिसको वहाँ कश्मीर घाटी के अंदर मारा इसीलिए जा रहा है कि वो हिंदुस्तानी है। हमें वहां पे, अगर आपने ये भी देखा होगा जो थ्रेट लेटर आया, ये इसमें यही, यहाँ हर बार जब भी थ्रेट लेटर आता है यही लिखा जाता है कि आप हिंदुस्तान के एजेंट्स हैं। तो अगर हम मानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल हैं, तो अगर हम इस वजह से हमें मारा जा रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है कि हमारी बात सुने और हमारी जानों को अभी बचाएं। और जैसे आपने बात की अभी ये थ्रेट लेटर की, जब हमने राहुल बच्ची की किलिंग के बाद से हमने ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर वहां कश्मीर की,
तब ये एक लिस्ट जारी किया गया था और इस लिस्ट पे बड़ी वाहवाही लूटी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने ये कहा था कि हम इनको ट्रांसफर करें सेफ और सिक्योर प्लेसेस पे। आपने भी सुना होगा, एलजी साहब ने भी कहा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आया था ये कि इनको सेफ और सिक्योर प्लेसेस पे हमने ट्रांसफर किया। लेकिन आज इस लिस्ट के बाद से जो टीआरएफ ने वही लिस्ट निकाली, तो इसके बाद से भी क्या सरकारें यही कहेंगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन फिर से कहेगी कि ये सेफ और सिक्योर प्लेसेस है? हमने तब भी ये बात कही थी कि कश्मीर घाटी के अंदर कोई भी जगह सेफ नहीं है, लेकिन तब हमारी बात सुनी नहीं गई थी। तो आज इसके बाद से सरकार तो कह रही है आतंकवाद बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। देखिए, एक तो होता है बोलना, वो कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप सबके सामने है, हमारे सामने है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है या टीआरएफ है वहां पे, वो ये थ्रेट लेटर्स निकाल भी रहे हैं और किलिंग के बाद भी वो निकालते हैं, तो किलिंग से पहले भी, किलिंग के बाद भी। तो वो जो हमें इस रूट के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले, मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने से सैलरीज बंद कर रखी है। अब एक एम्प्लॉय जिसका पूरा जो घर है, चाहे माँ बाप की दवाई का खर्चा, चाहे बच्चों की पढ़ाई का फीस, जो घर के डेली बेसिस के नीड्स है, उसी सैलरी पे है। 6 महीने से वो सफर करता रहा, लेकिन अब उससे लगा कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कश्मीर सरकार ने उसके पास कोई और चारा नहीं, दो ही रास्ते रखे उसने, या तो वो यहां जम्मू में बैठ के भीख मांगे पूरे परिवार के साथ, या तो कश्मीर जाके अब गोली खाए। तो उसने अब ये समझा कि मैं वहां जाके चलो अकेला मरूंगा, लेकिन फाइनेंशियली मेरी जो फैमिली है वो चलती रहेगी, उनकी जान बचेगी। अब उसने ये चीज, वो वही एम्प्लॉयज है जो वहां गए इन हालात में, अब उन्होंने ये सही समझा कि उन्होंने सरकार को ये लिखा कि हमें अब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए या ये रूट्स पे सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि मजबूर किया गया। देखिए, जो थ्रेट लेटर है इसमें से भी कुछ लोग हैं जो अब वहीं पे है अभी, वो क्यों है वहां पे ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा, जो उनके पास चारा कोई वो रखा ही नहीं सरकार ने उनको इस कदर मजबूर किया तो हम सबको, लेकिन अब किसी की ज्यादा मजबूरी है। लेकिन सरकार तक आपकी बातें पहुंच क्यों नहीं रही है? कि सरकार तो, अगर आपके दर्द और आपकी तकलीफ की बात हो तो कश्मीर फाइल्स की जब फिल्म आई उसको बाजाबता प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया, आपने वहां उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और उस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि मैं कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी है उसमें जो दर्द दिखाया गया मैं उसके साथ हूं। तो आप तो 200 से ज्यादा दिन आपको झेलते हुए हो गए, सरकार का कोई आदमी आपसे बात करके राजी नहीं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पे सरकारें जो है, चाहे बीजेपी की सरकार की हम बात करेंगे, हम एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं। जब भी कहीं पे देश में कोई भी बात होती है तो तब ये कहा जाता है कि हाँ जी, इनको जो है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, हम इनको वहां पर ले जाएंगे। जब इलेक्शन था, जब 2014 में और 2019 में जब इलेक्शन था, तब प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी यहां पे आए थे, उनका एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है यहां पे दिया था जम्मू में उन्होंने, कि हम इन कश्मीरी पंडित को तब वहां पे ले जाएंगे जब वहां के हालात हम ठीक करेंगे, इनको एक डिग्निफाइड लाइफ और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ वहां ले जाएंगे, लेकिन पहले हम वहां हालात ठीक करेंगे। तो आज अब इलेक्शन है नहीं और पूरे भारत में उन्होंने दिखा दिया कि कश्मीरी पंडित को हमने वहां पे ले लिया, चाहे एक मजबूरी के तहत ही। इसलिए आप आज के टीवी पे कम नजर आते हैं। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इलेक्शंस नहीं है। गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि आप कब तक अपना मुंह बंद रखेंगे और कितनी आंखें मूंदेंगे आप, और कितनी जाने जाते हुए देखना चाहेंगे आप? अगर आप चाहते हैं कि और जाने चाहिए तो वो भी तो बता दीजिए आप।